कैमरा जो हो ब्रह्मा से विष्णु बन रहा है बोल रहा है और चित्रों में तो विष्णु से ब्रह्मा बन रहा है ना आगे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला ये चित्रों में दिखाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया जो बताया गया वो पहले चित्रों में बनाया गया। पहले चित्र बने या शास्त्र बने? पहले चित्र बने। अजंता एलोरा एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनमें पहले चित्रकारी की गई। चित्रकारी करने वाले जो चित्रकार थे मूर्तिकार थे वो ज्यादा बड़े कलाकार थे या शास्त्र लिखने वाले ज्यादा बड़े कलाकार थे? हैं? बड़े कलाकार कौन हुए? चित्रकार हुए, मूर्तिकार हुए। क्यों? कि उनकी मनसा में भी वो संगमयुग की श्रेष्ठ बातें भरी हुई थी और उनकी कर्मेंद्रियों में भी वो ही श्रेष्ठ बातें रमण करती थी। जो चित्रों को बनाना जानता है, मूर्तियों को बनाना जानता है, वो उनका क्लेरिफिकेशन देना जानता नहीं होगा? है? जानता होगा या नहीं जानता होगा? जानता है। उस मूर्तिकार के उस चित्रकार के क्लेरिफिकेशन देने के बाद ही बाद में शास्त्र बने। तो जो शास्त्रकार हैं वो नीचे स्टेज के हुए और मूर्तिकार ऊंची स्टेज के हुए। तो जो मूर्तियां बनी हैं उन मूर्तियों में ये ज्यादातर दिखाया गया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। क्या विष्णु श्रेष्ठ या ब्रह्मा श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ? विष्णु देवता श्रेष्ठ। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। फिर कहते हैं शंकर देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो जब शिव परमात्माय नमः कहते हैं तो शंकर का रूप सामने आता है या नहीं आता है? यह बिंदी आती है, है? शंकर का नाम रूपी सामने आ जाता है। बोलने वाले जानते हैं उसमें शिव समाया हुआ है, शिव की याद समाई हुई है। तो जो विष्णु है वो है सबसे आदि का रूप। संगम युग को आदि कहें या कलयुग को आदि कहें? संगम को ही आदि कहेंगे और संगम 100 साल का है। तो 100 साल के संगम में पहले पहले कोई आत्माओं का प्यार तो ऐसा होगा जिसके लिए मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा है और शिव बाबा एक है या दो है? शिव बाबा तो एक ही है लेकिन वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आप समान एक बनाते हैं। भगवान आता है तो एक भगवान बनाता है या भगवान भगवती दो बनाते हैं? है? दो बनाते हैं क्योंकि उनको प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करनी है, उनको निवृत्ति मार्ग की स्थापना
नहीं करनी है। और धर्म पिताएं जो भी आते हैं वो सब निवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। क्या ब्रह्मा द्वारा भी जो स्थापना होती है वो निवृत्ति मार्ग की, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की स्थापना होती है या प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होती है? जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी तैयार हुए वो निवृत्ति मार्ग के तैयार हुए या प्रवृत्ति मार्ग वाले हुए? सब निवृत्ति मार्ग वाले हुए। बड़े बड़े धर्मगुरु कहेंगे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को, लेकिन उनमें भी बड़ा गुरु कौन है? अरे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो धर्म पिताएं हैं और जिसके द्वारा वो प्रसिद्ध होते हैं वो शरीरधारी आत्माएं तो ब्रह्मा की गोद में खेलती है। किसी गोद में? ब्रह्मा की गोद में पालना लेती है, इसलिए वो ब्रह्मा चंद्रमा होते हुए भी सब धर्म वालों को शरण देता है। सिर्फ किसको शरण नहीं देता है, है? सूर्य को शरण देता है, सूर्य की शरण में चंद्रमा रहता है या चंद्रमा की शरण में सूर्य रहता है? सूर्य की शरण में चंद्रमा रहता है। बाकी चंद्रमा ठंडा है, ठंडे स्वभाव का है, इसलिए माँ की गोद में सभी बच्चे पलते हैं। चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लामवंशी हो, वैश्यवंशी हो, कोई भी वंश के हो, सूर्य वंश के अलावा सभी बच्चे ब्रह्मा की गोद में पालना लेने वाले हैं। और वही ब्रह्मा जो यज्ञ के आदि में हर धर्म की आत्माओं को पालना देता है, वरदान देता है, वही फिर अंत में उन सब के विनाश का कारण बनता है, महाकाली का रूप धारण करता है। इसलिए महाकाली के मस्तक पर भी कौन दिखाते हैं? चंद्रमा ही दिखाते हैं। तो वो तो करता है निवृत्ति मार्ग की स्थापना और बाप करते हैं प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना। तो जब संगम युग शुरू होता है तो शुरुआत का जो फाउंडेशन डालने वाला पेयर है वो निवृत्ति मार्ग वाला होगा या प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा? उन्नीस सौ छत्तीस में शिव परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उस समय जिस मनुष्य तन का पहले पहले आधार लेते हैं वो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होता है या निवृत्ति मार्ग वाला होता है? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होता है। आदि में विष्णु होगा तो अंत में भी विष्णु होगा, जो आदि तो अंत। सृष्टि के आदि में भी 5000 वर्ष पहले जब नई दुनिया की स्थापना हुई थी तब भी वो पेयर पहले था, और जब अंत होता है सृष्टि का, संगम युग की शुरुआत होती है तो भी वो पेयर पहले होता है, जिसको कहते हैं सच्ची गीता और गीतापति भगवान। गीता माता है, वो अकेली नहीं है, माता के साथ
पिता भी है। ये माता पिता की जोड़ी जन्म जन्मांतर की जोड़ी है, वो है ही प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। और धर्म पिताओं को प्रवृत्ति मार्ग का पक्का नहीं कहेंगे। पक्का न होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। इसलिए चित्रों में ब्रह्मा की नाभि से विष्णु नहीं दिखाया, सिर्फ क्या दिखाया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। और जय बाबा विदेश झंडा पर, सब झंडा पर स्टार तो काम दे रहे हैं, क्या देखा था स्टार और चंद्रमा दिखाते हैं, क्योंकि जितने भी विदेशी हैं वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से कनेक्टेड है क्या, और सब स्टार के रूप में माँ है। स्टार्स क्या है, स्टार्स सब हैं बच्चे, और चंद्रमा क्या है, ब्रह्म। हाँ, जापानियों का जो झंडा है उसमें सूर्य भी दिखाते हैं क्या, क्योंकि जापानी लोग अपन को सूर्यवंशी समझते हैं। नक्शा देखा जाए वर्ल्ड का तो पूर्व दिशा में पहला देश कौन सा है, है? जापान। इसलिए जापानी लोग समझते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की पहली किरणें हमारे देश पर पड़ती हैं। परंतु वो तो जड़ सूर्य की बात है क्या, जो जड़ सूर्य है तो चैतन्य सूर्य भी है। चैतन्य सूर्य की किरणें पहले जापानियों के ऊपर पड़ेगी, या जिनके अंदर ज्ञान है कुछ न कुछ, बुद्धि मति श्रेष्ठ है, उनमें किरण पड़ेगी। सूर्य की किरण पहले किस में पड़ेगी, ज्यादा तमो प्रधान में पड़ेगी या कम तमो प्रधान में पड़ेगी। ज्यादा तमो प्रधान कौन सा देश बनता है, भारत ही ज्यादा तमो प्रधान बनता है। भारत ही सबसे ज्यादा सतो प्रधान भी बनता है, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। भगवान है सत्य चित्ता आनंद, तो भगवान इस देश को सत्ययुग बनाता है। और कोई भी देश नहीं है, कोई भी धर्मखंड नहीं है जिसको सत्य खंड बनाता हो। सत्य खंड को ही सत्ययुग कहा जाता है, जहां देवताओं का राज्य होता है। विनाश कब होगा, धरती कब हिलेगी, भूकंप कब आवेंगे, अकाल कब पड़ता है, जो भी धरणी के वासिंदा हैं वो पापाचारी बनते हैं, कब धरती कंप होता है, अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष पड़ता है या पहले ही पड़ता है,
पहले क्या होता है? पहले वासिंदा पापी बनते हैं या उनके पापी होने से पहले ही दुर्भिक्ष पड़ता है, भूकंप आता है? अरे धरणी जो माता है उस पर पाप बढ़ते हैं तब धरणी हिलती है या पाप बढ़ने से पहले ही धरणी हिलती है? पहले पाप बढ़ते हैं धरती पर वास करने वालों के। तो धरती पर वास करने वाले कौन थे उस समय है? जिनके लिए कहें यथा राजा तथा प्रजा। त्रेता के अंत में जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है कि अंतिम जो तीन जन्म है, तीन सीढ़ियां हैं, वो कटी हुई है, माना स्वर्ग का विच्छेदन करने वाले हैं वो तीन जन्म, और इन तीन जन्मों में, तीन सीढ़ियों में, तीन पीढ़ियों में जो राज्य करने वाले राजाएं हैं उनका राज्य भी खंडित होता है, उनका धर्म भी खंडित होता है। तो अंतिम राम वो पहले रावण बनेगा या त्रेता का पहले जन्म का राम रावण बनेगा है? अंतिम राम रावण बनता है तो धरणी हिलती है। जब धरणी हिलती है तो विनाश होता है। एक सीधी सी बात है, सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण देवताएं थे, उनमें कोई भी दोष नहीं था। पर दूसरी पीढ़ी शुरू होती है, सतयुग के आदि की दूसरी पीढ़ी, तो गिरावट दूसरी पीढ़ी से शुरू होती है या सतयुग के पहली पीढ़ी से ही गिरावट होती है? दूसरी पीढ़ी से गिरावट होती है, क्योंकि उस पीढ़ी का जो राजा है वो सेकंड नारायण बनता है, वो सेकंड नारायण इस्लाम धर्म का आधार मूर्त बनने वाला है। जब द्वापर होता है तो द्वापर के शुरू में वो नारायण वाली आत्मा जो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त है और उसका जो बीज रूप आत्मा होगी, उन आत्माओं में कौन सा विशेष नुक्स होगा, विशेष खामी कौन सी होगी जो दुनिया में पतन की शुरुआत कर देते हैं? सतयुग में ही पतन की शुरुआत हो जाती है। द्वापर के आदि की तो बात ही निराली है। जो नारायण है सेकंड, वो सेकंड नारायण बनने वाली आत्मा संगम युग में कौन सा पार्ट बजाती है? है? सेकंड नारायण बनने वाली सतयुग की आत्मा द्वापर के आदि में कौन सा पार्ट बजाती है? है? सेकंड जो धर्म पिता है, नंबर दो का धर्म पिता, उसका आधार बनता है। तो जो नंबर दो का धर्म पिता है उसका आधार बनेगा और फिर उसका भी कोई बाप होगा बीज रूप आत्मा, वो उससे भी ज्यादा नुक्स वाली होगी। बाप
ज्यादा पावरफुल होता है या बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है? बाप ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो बीज रूप आत्मा द्वापर के आदि में कौन सा नुक्स होता है जो उसमें सबको देखने में आ जाता है? वो अपने नुक्स को छुपाए नहीं सकती, खामी को छुपाए नहीं सकती। वो कौन सी खामी होती है? है? हाँ, काम विकार की विशेषता है, वो खामी खास है व्यभिचारी वृत्ति की। तो वो व्यभिचारी वृत्ति त्रेता के अंत में जाकर के इस्लाम धर्म की कटी हुई जो पहली सीढ़ी है, तीन सीढ़ियां हैं ना कटी हुई, उनमें जो पहली सीढ़ी कटी हुई है वहां से खंडन शुरू हो गया, वहीं से व्यभिचार का आरोपण शुरू हो गया। वो आत्माएं व्यभिचार का फाउंडेशन वहीं से लगाई देती। उसके बाद आता है कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वाले विदेशियों के अधीन हो जाते हैं कि सदैव स्वाधीन रहते हैं, स्वदेशी बन करके रहते हैं, अधीन हो जाते हैं। तो वो तो और ही कमजोर है। उसके बाद सबसे जाती जो पतन का कारण बनता है वो है तीसरा, क्रिश्चियन धर्म का बीज और क्रिश्चियन धर्म का नारायण। जो संगम युग में ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्माओं की भी जान ले लेता है। कौन है? है उसका बीज कितना खतरनाक होगा? वो आधार मूर्त सृष्टि का जो है ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा, उसकी जान लेने का निमित्त बन जाता है। तो उसकी जो बीज रूप आत्मा है, बीज बाप है क्रिश्चियनिटी का, वो तो कितना खतरनाक होगा। एडवांस के आज में भी वो था, बाप के नजदीक ही था, बाप को पहले पहचानता है। कौन? बाप को पहचानने वालों में विदेशियों में मुख्य धर्म कौन सा है? इस्लाम पहले पहचानता है? नहीं, इस्लामी ज्यादा बुद्धिमान है या क्रिश्चियन से ज्यादा बुद्धिमान है? आज की दुनिया में क्रिश्चियन से ज्यादा बुद्धिमान है। तो क्रिश्चियन धर्म की जो बीज रूप आत्मा है वो पहले बाप को पहचानती है। पहचानती तो है लेकिन पूरा पहचानती है, जो हूं जैसा हूं जिस रूप में पार्ट बजाता हूं उसी रूप में पहचानती है या अनुमान के आधार पर पहचानती है? अनुमान के आधार पर पहचानती है, पक्का नहीं पहचानती। इसलिए नीम अकीमे खतरे जान हो जाता है। त्रेता युग की अंतिम सीढ़ी जिसका मुखिया बनता है क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा, वो क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा विनाश का कारण बनती है। भगवान का जो बना बनाया घर स्वर्ग है, सुखधाम है, उसको क्या करती है? तोड़ने का निमित्त बन जाती है, गिराने का निमित्त बन जाती है। इसलिए उनके धर्म में
आज भी जो मंदिर बनाया जाता है उसका नाम क्या रखते हैं? गिरजाघर। क्योंकि उन्होंने भगवान के बने बनाए घर सुखदाम स्वर्ग को गिराने का काम किया। इसलिए उनका जो इबादत खाना है उसका नाम ही रखा गया है गिरजाघर। जो भगवान के घर को ही गिराने के निमित्त बन जाए, वो स्वयं जिस दुनिया में रहता है उस दुनिया को गिराने के निमित्त नहीं बनेगा है? वो भी बन जाता है। एटम बम कौन बनाते हैं? क्रिश्चियंस बनाते हैं या इस्लामी बौद्धि बनाते हैं? क्रिश्चियंस ही एटम बम बनाते हैं। जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया का विनाश कराने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए पहले जो बासिंदा हैं उनमें पाप की शुरुआत होती है। उन बासिंदाओं में भी जो राजाएं हैं उनमें पहले पाप आरंभ होता है, यथा राजा बाद में तथा प्रजा। उनकी सारी की सारी रैयत स्वर्ग को गिराने के निमित्त बनती है। स्वर्ग खलास होता है और नरक की शुरुआत होती है। तो शुरुआत करने के लिए कोई तो आवेगा। कौन आता है? इब्राहिम वाली आत्मा आती है। ऐसे नहीं कि पहले इब्राहिम आता है, नहीं, जो देवी देवता सनातन धर्म के कच्चे पक्के हैं, जिन्होंने कच्चा कच्चा पुरुषार्थ किया था संगम में, संगम में भी बाप को पूरा पहचाना नहीं था, थोड़े समय के लिए पहचाना और फिर सारे संगम जीवन में विरोध किया। सदगुरु निंदक और न पावे। लास्ट के जन्म में थोड़ी सी ताज पतलून मिलती है, थोड़े समय के लिए वो कुर्सी मिलती है, जैसे कि यादगार है हिस्ट्री में। एक भिस्ती को, चमार को एक दिन की राजाई मिल गई, तो उसने क्या किया? सारे राज्य में एक दिन के अंदर ही चमड़े के सिक्के चला दिए और सोने के सिक्के खलास कर दिए। ऐसे ही आज की दुनिया में भारतवर्ष में जो राज्य चल रहा है वो शूद्रों का राज्य चल रहा है या शेष धारणाओं वाले ब्राह्मणों का राज्य चल रहा है? हैं? किसको बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा है? शूद्रों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और हाँ, वो जो सन्यासी होते हैं भक्ति मार्ग में, जो भी सन्यासी हुए हैं या नागा बाबाएं हैं हिंदुओं में या जैनियों में, जो नंगे रहते हैं दिगंबर सन्यासी, ऐसे नहीं कि उनके पास कोई योग बल होता है, नहीं,
वो दवाइयों के आधार पर अपनी इंद्रियों को निस्तेज करते हैं। वो स्थूल दवाइयां खाते हैं और हमारी कौन सी दवाई है? है हमारी ज्ञान के टैबलेट्स हैं, ज्ञान के इंजेक्शन हैं, जिनको धारण करके, जिनको लगा करके हम अपने जीवन में इंद्रियों को शीतल बनाते हैं और सदाकाल के लिए शीतल बनाते हैं, 21 जन्मों के लिए शीतल बनाते हैं। वो तो एक जन्म के लिए दवाइयां खा करके संसार में मान मर्तबा लेने के लिए दवाइयां खाते हैं। और वो हैं अर्ध के सन्यासी और हम हैं बेहद के सन्यासी। वो हद का काम करते हैं और हम बेहद का काम करते हैं। सूर्य है ज्ञान, सूर्य राम की आत्मा और चंद्र है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा। दोनों ही आत्माएं इस समय पार्ट बजाय रही है या नहीं बजाय रही है? बजाय रही है। और दोनों के ही फॉलोअर्स हैं ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग। ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा के जो पक्के पक्के फॉलोअर्स हैं वो सूर्य को विकारी समझेंगे या सदैव निर्विकारी रूप में देखते हैं? हैं? वो सदगुरु की निंदा सुन ही नहीं सकते, देखने की तो बात दूर की है। और जो और धर्म वाले हैं वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, चंद्रमा की गोद में पले हैं, चंद्रमा से वरदान लेते हैं, ब्रह्मा से वरदान लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी दिखाया जाता है असुरों को वरदान किसने दिए? ब्रह्मा ने वरदान दिए। वो असुर ब्रह्मा से ज्ञान रत्नों का, गुण रत्नों का वरदान लेकर के, शक्तियों का वरदान लेकर के उनका दुरुपयोग करते हैं। और किसके ऊपर दुरुपयोग करते हैं? धरणी के ऊपर दुरुपयोग करते हैं। हैं तो पाताल लोक के वासी, नीचे से नीचे लोक के वासी हैं, लेकिन सारी पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं, ले भी लेते हैं। कन्याओं माताओं को तकलीफ देते हैं अथवा तो कन्याओं माताओं की गोद में पलने के कारण उनके प्रभाव में आ जाते हैं। कन्याएं माताएं हैं धरणी, जो धरणीवासी चंद्रमा को देखते हैं, सूर्य को नहीं देखते, और चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर देखते हैं, हैं धरणी के वासी। बीच में आ गया चंद्रमा, उस चंद्रमा का परछाया पड़ता है सूर्य के ऊपर, लेकिन सूर्य तो आपका गोला है, उसके ऊपर परछाया पड़ सकता है? नहीं, वास्तव में सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ता है,
और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वासियों के ऊपर पड़ता है। तो जो पृथ्वी वासी विदेशी विधर्मी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रभाव में आ जाते हैं, उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, वो समझते हैं कि सूर्य को विकारों का ग्रहण लग गया। ये उनकी गलत फहमी होती है ज्ञान को पूरा न समझने के कारण। वास्तव में राम बाप में तो मुकर्रर रूप से ज्ञान सूर्य सेवा प्रवेश करता है, जिसमें ज्ञान सूर्य भगवान प्रवेश करके इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा हो वो विकारी कैसे बनेगा। इसलिए ब्राह्मणों की दुनिया में राम बाप के रूप में पाठ बजाने वाली जो आत्मा है, हीरो पाठधारी, उसको वो विधर्मी, वो विदेशी आत्माएं, विदेशियों के बीज हो या विदेशियों के आधार मूर्त हो, काम ही आपसे देखते हैं, ये विकारी बनता है। ये सारी धरणी को पल्यूट करने वाला है। वो पतित पावन बाप के रूप में नहीं देखते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। ऐसे ही चंद्र ग्रहण, बीच में पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी माने धरणी रूपी माताएं कन्याएं। एक तरफ सूर्य है और सूर्य का प्रकाश धरणी पर पड़ता है, धरणी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य। तो जब सूर्य का परछाया पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो चंद्रमा किसकी परछाई में आ गया, किसके प्रभाव में आ गया है? कन्याओं माताओं के प्रभाव में आ जाते हैं। वो बच्चा बुद्धि कृष्ण की आत्मा ज्ञान पूरा न समझने के कारण कन्याओं माताओं रूपी धरणी के प्रभाव में जब आ जाता है तो धरणीवासी समझते हैं कि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया, चंद्रमा अंधेरे में आ गया। तो गलत समझते हैं या सही समझते हैं? है? गलत समझते हैं। माने चंद्रमा के ऊपर परछाया नहीं पड़ता, चंद्रमा के ऊपर अंधेरा नहीं आता। जो धरणी रूपी कन्याएं माताएं बीच में आ जाती हैं, वो कृष्ण बच्चे को प्रभावित नहीं करती, करती है। ब्रह्मा वाली सोल अभी भी कन्या माताओं के पास पहुंचती है और उनसे प्रभावित होती है या नहीं होती है? प्रभावित हो जाती। ओम गुरु नानक देव को कौन सा पांडव की लिस्ट में डालेंगे?
क्यों? जिन्होंने सदैव देवताओं का साथ दिया है, कभी भी और धर्म वालों का साथ नहीं दिया है, वो है तो सबसे लास्ट वाला पांडव, सबसे छोटा, कलयुग के अंत में जिसको राज्य मिलता है, क्योंकि छोटे भाई को अंत में राज्य मिलता है या पहले या मध्य में? अंत में मिलता है। लेकिन वो ऐसा है, काम के आधार पर जो नाम पड़ता है कि सच्चाई को मानने से ना नहीं कह सकता, इसलिए उसका नाम ना ना का। जो सच्चाई को मानने से ना ना करे वो कौन है? नानक। है एक मानने की बात है, ऊपर से आने वाली जो आत्मा है, जो प्रवेश करती है, वो आधारभूत में प्रवेश करती है या उसको जन्म देने वाले पिता बीज में प्रवेश करती है? आधार में प्रवेश करती है। तो जो आधार है वो तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसका भी पूर्वज कौन है? उसका बाप। जो उसका भी बाप है वो बीज रूप आत्मा है, वो कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन है कौन से धर्म का बीज है? आठवां नंबर का जो परमात्मा से प्राप्ति करने वाला श्रेष्ठ बीज है वो आत्मा है। अपने धर्म का, अपने ग्रुप का मुखिया है। तो वो बीज रूप आत्माएं, बीज रूप आत्माओं की दुनिया तैयार हुई है या नहीं तैयार हुई? है? तैयार हो गई। तो तैयार हुई है तो वो आत्मा भी है। हाँ, आधार मूर्त नहीं है, लेकिन इसका बीज मूर्त आत्मा है। और कहते हैं कि राम जब माया मृग को मारने के लिए चल पड़े तो माया मृग को मारने से पहले, जाने से पहले उन्होंने सीता को तो अग्नि में प्रवेश करा दिया। तुम पावक में करो निवास, तुम अग्नि में निवास करो। पावक माने अग्नि है, तब लगी करो निशाचरना था। तो वो तो चल पड़े, रह गए लक्ष्मण सीता की रक्षा करने के लिए। तो लक्ष्मण को दिमाग में ये बात आ गई, जंगल है कांटों का, इस कांटों के जंगल में कब कौन विपत्ति लेकर के आ जाए कुछ पता नहीं। तो उनको शंका पैदा हो गई और उन्होंने जो कुटिया थी सीता की उसके चारों ओर एक रेखा खींच ली, उसका नाम दिया लक्ष्मण रेखा। ये
लक्ष्य को प्राप्त करने वाली रेखा। वो लक्ष्य को प्राप्त करने वाली रेखा है श्रीमत। तो श्रीमत रूपी रेखा को जो सीताएं क्रॉस नहीं करेंगी उनको रावण कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। परंतु जो बोला है तुम सब सीताएं हो और उन सीताओं में से अगर मोस्टली आत्माएं ऐसी हो जो श्रीमत रूपी लीका को क्रॉस कर दे। क्या श्रीमत है बड़ी से बड़ी है? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। एक के पंजे में जाना है, एक की मुट्ठी में रहना है, एक की छत्र छाया में रहना है, एक की बात मानना है और कोई की बात नहीं मानना है। इस श्रीमत रूपी लीका को जो पुरुषार्थी आत्माएं जीवन भर अपनाती है उनको रावण हरण नहीं कर सकता। और जो इस लीका को तोड़ देती है उनको रावण ले जाता है। तो रामायण में दिखाया गया है सीता को रावण ले गया। कब ले गया? लीका का उल्लंघन किया तब ले गया या ऐसे ही ले गया? लीका का उल्लंघन किया हाँ? जो 10% कहाँ है? यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो 10% के अंदर आएंगे और बहुत से ऐसे हैं जो उस 10% से भी निकल करके काशी नगरी में पहुंच गए। नहीं पता? पता है फिर क्या हस्बैंड को पूछते हो? और इसका मतलब जो रिसेंट मुरलियां है वो आप सुनते ही नहीं। सन 2004-05 से बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात बाप दादा लाए हैं। उस दुनिया में तुम बच्चे आना जाना करते हो ना? है? हाँ, नए संगठन की बात समझ लो। तो साबित हो जाता है कि जो 10% हैं सूर्यवंशी एक बाप को फॉलो करने वाले हैं, बल उनमें राजयोग सीखने वाली, राजयोग सीख करके पास होने वाले राजाएं भी हैं, राज्याधिकारी भी हैं, उस सूर्यवंशी राज्य में आने वाले साहूकार भी हैं, और प्रजावर्ग में भी है।
क्योंकि राजधानी स्थापन सूर्यवंशियों की हो रही है ना, कि और वंश वालों की भी हो रही है, सूर्यवंशियों की राजधानी स्थापन हो रही है, तो सूर्यवंशियों में सब तरह के होंगे, ये सिर्फ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होंगे, चांडाल और दास दासी बनने वाले नहीं होंगे, वो भी होंगे। ऐसे भी होंगे जो तन मन धन संबंधियों को अर्पण करते हैं फिर वापस ले लेते हैं, वो क्या बनते हैं? चांडाल। सब तरह के हैं लेकिन हैं सूर्यवंशी। और चार बार देह अभिमान को त्यागते हैं, चार बार देह अभिमान को त्यागते हैं, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य है को कुछ आत्मा ऐसी हैं जो सत्युग में भी जाने वाली हैं, वहाँ भी जन्म लेंगी, वहाँ की शूटिंग भी करती है देवतावरण की। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो सतयुग में नहीं जाती हैं, सतयुग के देवतावरण की शूटिंग नहीं करती हैं, क्षत्रिय वर्ण में आ जाती हैं। क्षत्रिय वर्ण में 12 जन्म ले लेती हैं या कम जन्म लेती हैं और सैनी देवताएं बन जाते हैं, फिर आगे के जन्मों में जन्म लेते रहते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो ना सतयुग में आती है ना त्रेता में आती है, ना देवता वर्ण में है ना क्षत्रिय वर्ण में है, लेकिन वैश्य वर्ण में आ जाते हैं, तो वैश्य वर्ण की आत्माएं हैं, या वैश्य वर्ण में ऊंच वर्ण ऊंच पद पाते हैं, सतयुग त्रेता में ऊंच पद नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कलयुग में ही आते हैं या कलयुग में ही ऊंच पद पाते हैं, यानी शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थ करते करते न सतयुगी देवता वर्ण की शूटिंग में उनकी आंख खुलती है, न क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग में उनकी आंख खुलती है, त्रेतायु की शूटिंग में, और न वैश्य वर्ण की शूटिंग में उनकी आंख खुलती है। कब खुलती है? जब तमो प्रधान ज्ञान हो जाता है, तमो प्रधान पुरुषार्थ हो जाता है, तमो प्रधान विस्तार हो जाता है, तो बहुतों को देख करके उनकी आंख खुलती है। फिर उनको ब्राह्मण बुद्धि कहें, क्षत्रिय बुद्धि कहें, वैश्य बुद्धि कहें या शूद्र बुद्धि कहें, शूद्र बुद्धि हो गए। तो चारों ही वर्णों की शूटिंग यहाँ होती है। 76 तक टोटली कौन से वर्ण की शूटिंग हुई है? देवता वर्ण की शूटिंग हुई 76। उसकी प्रूफ क्या है? षष्ठी चक्र के चित्र में देखें, षष्ठी शूटिंग में मुखिया कौन दिखाए गए हैं चित्र में है? अरे कोई मुखिया दिखाए गए कि नहीं है? अरे सतयुग की शूटिंग में षष्ठी चक्र के चित्र में षष्ठी चक्र के चित्र में मुखिया आत्माएं कौन है, प्रतिनिधि कौन दिखाए गए हैं? राधा कृष्ण कौन दिखाए गए हैं? राधा कृष्ण दिखाए गए हैं। तो राधा कृष्ण वाली जो आत्माएं हैं
वो संक्षेत्र तक प्रतिनिधि के रूप में हर ब्राह्मण की बुद्धि में रही या कोई दूसरा था है? कोई मुखिया के रूप में कोई दूसरा था है? ठीक से बोलते ही नहीं, कोई नहीं था। कौन था? वो ही मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती जिनको राधा कृष्ण समा माना जाता है, वो ही थे मुखिया। फिर ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग बदलती है, नया सीन आता है। क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, त्रेता युग की शूटिंग शुरू होती है। कौन सी आत्माएं मुखिया के रूप में आती हैं? राम सीता वाली आत्माएं मुखिया के रूप में, एडवांस पार्टी के मुखिया के रूप में आ जाती हैं। फिर द्वापर युग की शूटिंग होती है। द्वापर युग की शूटिंग में एडवांस पार्टी में विदेशी कब से घुसते हैं? ढेर के ढेर हैं। विदेशियों का प्रवेश ढेर का ढेर कब से होता है? अरे अरे दक्षिण भारत की आत्माएं ढेर की ढेर आना कब से शुरू होती है? हाँ 86, 87, 89 जब त्रेता युग और द्वापर की संधि होती है तो दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माएं एडवांस पार्टी की ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर की ढेर आना शुरू हो जाती है। पहले कौन सा स्टेट निकलता है? है? आंध्रा नहीं, कर्नाटक। सबसे पहले कर्नाटक निकलता है, फिर कर्नाटक से आंध्रा निकलता है, फिर बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। है? हाँ, तो द्वापर युग की शूटिंग होते होते पूरी जितने भी मुख्य धर्म हैं वो सब धर्मों की शूटिंग हो जाती है, चाहे इस्लाम धर्म की आत्माएं हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हो, मुस्लिम मुस्लिम धर्म की हो या बौद्ध धर्म की हो। और फिर मान्यता है कि द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध होता है, तो महाभारत युद्ध में विनाश हो जाता है। वास्तव में जो मुख्य धर्म है जब उनका विनाश होता है तो उन मुख्य धर्मों की ढेर शाखाएं निकल पड़ती हैं, तो सभी धर्मों का विघटन हो गया, वो कलयुग की शूटिंग शुरू हो जाती है। कलयुग की शूटिंग में जो भी आत्माएं निकलती हैं वो जल्दी ही शूद्र वर्ण में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट में क्या दिखाया? काले हुए पड़े हैं काले काले हुए। हाँ जी, हाँ जी, काली में दिखाई गई है। वो हर धर्म हर मठ पंथ पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और लास्ट में तमो को हो जाता है। तो अभी
जब चारों योगों की शूटिंग पूरी हो चुकी है तो हर धर्म की आत्मा तामसी स्टेज का पार्ट बजाए रही है, सब अनुभव कर रहे हैं एडवांस में भी कि जो नए नए निकलते हैं वो तो उमंग उत्साह में रहते हैं और जो जितने पुराने होते जाते हैं तो उतने तामसी स्टेज बनती जाती है, फिर शंका पैदा करते हैं कि बेसिक में तो हमारी अवस्था अच्छी थी, एडवांस में भी शुरुआत में अच्छी थी और अभी भगवान आया हुआ है, भगवान काम कर रहा है तो हमारी अवस्था खराब क्यों हो रही है। ये नहीं देखेंगे कि भगवान ने ये भी बोला है कि अगर ज्ञान में आने के बाद उल्टा कर्म करेंगे श्रीमत के बरखिलाफ तो 100 गुना बोझ चढ़ेगा और अज्ञान काल में वो ही उल्टा कर्म करते थे तो 1 गुना पाप चढ़ता था। तो अवस्था नीचे गिरनी चाहिए या ऊंची उठनी चाहिए, अपने अपने कर्मों को हम अपने अंदर देख सकते हैं, दूसरों का तो नहीं देख सकते। तो अपने अंदर जब झांकते हैं तो पता चलता है गलतियां तो हो रही है, न चाहते हुए भी ढेर के ढेर गलतियां श्रीमत के बरखिलाफ हो रही है। हाँ, कोई कोई ऐसे अच्छे पुरुषार्थी भी हैं कि जितना माया का प्रकोप होता है उतना उनका पुरुषार्थ और ही तीव्र हो जाता है, वो तो गिनी चुनी थोड़ी सी आत्माएं जिनके लिए गीता में भी लिखा है देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी देखने में भी नहीं आते हैं। तो शूटिंग तो लगातार जारी है, जब तक ब्राड ड्रामा पूरा नहीं होता है, शुरू नहीं होता है। है बाबा तो जानता है, बाबा आत्माओं की सतोप्रधान स्टेज को देखता है, सतोप्रधान स्टेज के पार्ट को देखता है या तामसी रूप देखता है। बाबा क्या देखता है? बच्चों का सतोप्रधान पार्ट देखता है, बाप ने जो रचा है। बाप तो जानता है ना कि ये तमोप्रधानता किसने रची है, इस तमोप्रधानता जो बच्चों में आ गई है उसका रचयिता कौन कौन है, कौन कौन है रावण संप्रदाय। बाप इन आंखों का लोन लेकर के आए हैं, देख रहे हैं ये राक्षस संप्रदाय बैठा है और ये दैवी संप्रदाय बैठा है। तो वो राक्षस संप्रदायों के संग के रंग में आकर के बच्चे तामसी बन गए हैं। तो तामसी स्टेज नहीं देखता बच्चों की, कौन सी स्टेज देखता? सात्विक स्टेज देखता है। तो सात्विक स्टेज को देख करके अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो कौन से बच्चे ऊंची स्टेज में आएंगे? जो आगे तो अंत में आवेगा। बाप की दृष्टि तो सच्चाई को देखती है, सच्चे कौन कौन है, भले तमोप्रधान बन रहे हैं, दुनिया ही तमोप्रधान बन रही है, बन चुकी है, लेकिन दिल की सच्चाई कितनों में है? दिल की सच्चाई कोई चीज होती है या नहीं होती है? दिल की सच्चाई ही सबसे बड़ी चीज है। सच्चा बाप सच्चखंड स्थापन करते हैं, किनके द्वारा? सच्चे बच्चों के द्वारा। और
चेहरा लटका हुआ रहेगा, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, खुद भी डिस्टर्ब होंगे, खुद भी तमो प्रधान बने हुए हैं, दूसरों को भी तामसी स्टेज में लावेंगे, खुद भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। ये निशानियां नहीं समझ में आती, खुद भी अंदर अंदर घुटते रहेंगे, दूसरों को भी घुटन पैदा करेंगे। सतो प्रधान की स्टेज इससे उल्टी है, जो गीता में भी बताई है। यस्मान नोद्विजते लोको, जिससे लोग उद्वेग को प्राप्त न हो वो सतो प्रधान है। उद्वेग माने परेशानी को प्राप्त न हो, जिसके संग में आने से, जिससे बात करने से, जिसको देखने से लोगों की उद्विग्नता, उद्वेग, परेशानी क्या हो, खत्म होने लगे, उसे कहेंगे सतो प्रधान। यस्मान नोद्विजते लोको, लोकान नोद्विजते च यह। जो लोगों से दुखी न हो और लोग जिससे दुखी न हो, जो लोगों से परेशान न हो और लोग भी जिससे परेशान न हो, जिसकी वाचा से, जिसके कर्मों से, जिसके वाइब्रेशन से, जिसकी दृष्टि से न लोग परेशान हो और न परेशानी का वो कारण बने, उसको कहेंगे सतो प्रधान। इसका उल्टा कर दो तो तमो प्रधानता की निशानी है। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, सुख दो सुख लो, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, क्या करना है, है दाता बनना है। काहे का दाता बनना है, दूसरों को सुख देना है। है ऐसे कहते थे कि साकार में निराकार को याद करना है। हाँ जी, ब्रह्मा के साम है शिव आते थे। हाँ, कैसे याद किया जाता, वो तो एक तरीका थोड़े ही था। ब्रह्मा के टाइम जब शिव आते थे तो मुकर्रर में आते थे या टेम्परेरी रथ में आते थे, तो याद भी जो है वो टेम्परेरी कहेंगे या मुकर्रर याद मिल गई, वो टेम्परेरी याद थी भक्ति मार्ग वाली। जैसे भक्ति मार्ग में कोई कहते हैं कि भगवान निराकार है तो कोई निराकार को याद करते हैं, कोई कहते हैं नहीं भगवान राम है तो राम को याद करते हैं, कोई कहते हैं नहीं भगवान कृष्ण है तो कृष्ण को याद करते हैं, कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते। तो बेसिक में भी एक बात नहीं कहते थे, ऐसे नहीं कि सभी ब्राह्मण ब्रह्मा में निराकार को याद करते थे, और करते भी थे तो वहां चित्र क्यों रखा हुआ था, किसका, ब्रह्मा का। जिस ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ था उस चित्र में निराकार बिंदु को याद करते थे या चैतन्य में याद करते थे, चित्र में याद करते थे, तो फायदा होगा नुकसान होगा, है नुकसान होगा। भक्ति मार्ग की याद हो गई, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग उसे कहेंगे कि जब प्रैक्टिकल में बात सामने हो, हमारी बुद्धि में पक्का बैठ जाए कि इस दुनिया में बाप मौजूद है और हमने उसे देखा है, हम उस बाप से प्रैक्टिकल में मिले हैं,
हम जानते हैं, हम पहचानते हैं कि उस बाप के द्वारा स्वर्ग स्थापन होना है। वो एक ही है जिसके द्वारा स्वर्ग स्थापन होता है, वो एक ही है जो हमारा बाप भी है प्रैक्टिकल में, वर्षा देने वाला टीचर भी है, सुप्रीम टीचर जो हमको ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला है, जिस सुप्रीम टीचर को दुनिया में कोई नहीं पढ़ाई पढ़ा सकता, वो हमारा सुप्रीम गुरु भी है, हमको गति सदगति देने वाला है, वो एक ही है। ब्रह्मा को बाप, टीचर, सदगुरु नहीं कह सकते। अंत में लक्ष्मी का भी आत्मा ही राम का प्रार्थना भी बनती है। त्रेता के अंत में आदि भक्ति मार्ग में राम की कौन सी विशेषता की विशेष यादगार है? है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो विशेषता है कि जीवन में एक के साथ उसकी मर्यादा बंधी हुई है और किसी के साथ नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का जहां प्रश्न पैदा होता है, इस समय वर्तमान संगम युग की बात है ना, वास्तव में तो कहां की बात है, संगम युग की बात है। तो संगम युग में जो राम वाली आत्मा है वो मर्यादाहीन का पार्ट बजाती है या मर्यादा के अंदर बंधी हुई है? है बंधी हुई है, अनेकों के संग के रंग में आती है, अनेकों के साथ संबंध जुड़ता है प्रैक्टिकल जीवन में, या एक के साथ संबंध जुड़ता है? प्रश्न किसने पूछा? अरे हाथ उठाओ, हाँ जवाब दो। एक के साथ संबंध प्रैक्टिकल जीवन में जुड़ता है राम की वाली आत्मा का, या अनेकों के साथ संबंध जुड़ता है? अनेकों के साथ संबंध जुड़ता है। क्यों? क्योंकि बाप का विरोध है कि बाप इस समय विदेशी बनकर के आया हुआ है, तो विदेशी अनेकों के साथ संबंध जोड़ते हैं या एक के साथ जोड़ते हैं? है अनेकों के साथ जोड़ते हैं, उनकी तो मर्यादा ही नहीं होती है। क्रिश्चियन लोग जिंदगी में कितनी शादियां कर लेते हैं, कुछ शादियां तो उनकी समाज के सामने और सरकार के सामने प्रत्यक्ष होती है, और कुछ ऐसी शादियां होती हैं ढेर की ढेर जो ना समाज के लोग जानते हैं और ना सरकार के लोग जानते हैं। तो विदेशियों को मर्यादा में बंधा हुआ कहेंगे, या भारतवासियों का जो प्रतिनिधि राम है, राम वाली आत्मा, उसको मर्यादा में बंधा हुआ कहेंगे? है राम को कहेंगे, लेकिन राम वाली आत्मा यहां मर्यादा में बंधी हुई नहीं है, क्योंकि उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश है। वो सुप्रीम सोल का कहना है कि बाप अब अगर स्वदेशी बनकर के आवे तो तुम बच्चों से मिलन मेला नहीं मना सकता। इसलिए राम वाली आत्मा को मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता युग का जो गायन है वो नहीं कहेंगे, वो सीता वाली आत्मा पार्ट बजा रही है इस समय। सीता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा का ये विरोध है पार्वती के रूप में, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तु रहो कुंवारी। वो सत्युग त्रेता के जीवन की ही बात नहीं है,
द्वापर और कलयुग में भी जितने स्त्री जन्म लेती है उन स्त्री जन्मों में वो प्रदूषित नहीं होती है। एक के अलावा और दूसरों का संबंध भ्रष्ट इंद्रियों के रूप में नहीं जुड़ता। इतना पक्का स्नेह और पक्का पवित्रता को पालन करने वाली आत्मा है। तो जन्म जन्मांतर मर्यादा को पालन करने वाली आत्मा कौन हुई? सीता वाली आत्मा। वो पवित्रता के आधार पर अव्वल नंबर है और राम वाली आत्मा योग के आधार पर अव्वल नंबर वन है। इसलिए दोनों का समान पार्ट हो जाता है। सीता वाली आत्मा त्रेता के फर्स्ट जन्म में जाकर पुरुष बनती है और भक्ति मार्ग में राम का टाइटल गाया हुआ है। और ओम शांति।